और जब गाइस आ गए हम लोग एक और नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ ये आपको आगे ही पता चलेगा। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं ड्रैको टेक्निकल सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रैंडम प्लेयर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ माइनक्राफ्ट पीई में कैसे खेल सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं। तो पहली टिप्स एंड ट्रिक है कि आपको सबसे पहले अपने माइनक्राफ्ट को साइन इन कर लेना है। अगर आपको माइनक्राफ्ट में साइन इन करते नहीं बनता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो मेरा पहले वाला वीडियो है उसमें आप जाके देख लीजिए कैसे साइन इन करते हैं। तो सेकंड टिप्स एंड ट्रिक है कि जिस भी प्लेयर के साथ आप खेल रहे हैं उसका भी वर्ज़न आपके जैसा होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा वर्ज़न होना चाहिए। फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट टिप्स एंड ट्रिक। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स के ऑप्शन में जाना है, फिर ऐड फ्रेंड के ऑप्शन में जाना है, फिर ये थोड़ा लोडिंग लेगा। ओके, कंप्लीट होने वाला है। तो कंप्लीट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन, आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखेंगे, थर्ड ऑप्शन सबसे अच्छा है। तो आपको उस पर क्लिक करना है और अपने फ्रेंड की आईडी डाल देना है। आईडी कुछ इस प्रकार की होगी, ऐसा कुछ आपको आईडी डाल देना है। तो फिर आपको सर्च के ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, ये मेरा पहले से ही फ्रेंड है इसलिए इसमें चेंज फ्रेंडशिप का ऑप्शन दिखा रहा है, नहीं तो आपको इसमें फ्रेंड का ऑप्शन दिखाता। तो अब आपको यहाँ सेटिंग्स पे जाना है। फिर सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको रुक जाइए, हाँ, फिर आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऑन विथ वाईफाई ओनली दिखेगा, तो आपको ऑन विथ वाईफाई और सेलुलर डेटा कर देना है, और यूज सेलुलर डेटा कर देना है, उसको ऑन कर देना है। तो इतनी सेटिंग्स हो गई। अब आपको प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। फिर आपको, आप अपना कोई सा भी वर्ल्ड खेल सकते हैं, तो अपन आप क्रिएट भी कर सकते हैं अपना वर्ल्ड। तो हम पहले वाला ही वर्ल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन करना है आपको। तो अब प्ले के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे हम। तो अब ये वर्ल्ड क्रिएट हो गया है। और अब आपको जो ऊपर वो बटन दिखाई दे रहा है इस पर अपन को क्लिक कर देना है। फिर अब अपन को इनवाइट टू गेम का ऑप्शन दिखेगा, फिर आपको अपन पे उस पर क्लिक कर देना है। तो ये हैं अपने सारे फ्रेंड जिनने अपन की रिक्वेस्ट ऐड की है और अपन ने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी। तो अगर ये ऑनलाइन होते तो यहाँ पे अपन को ग्रीन कलर का डॉट दिखाई देता, पर ये अभी ऑनलाइन नहीं है। तो अपन ने इनको रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, तो उनके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा। तो गाइस, ये थी अपन की आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।